वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। ये गुरमुख समा सतगुरु वालों जो निश्चित दिता हों जी, उस समय तो सानू हरेक ने वापस जाना जी, बहुत एक अटल सच्चाई है। पर जो गुरमुखा ने अपने जीवन के नवी सेध दी है, ये सारी उम्र तक याद रही, लंबे समय तक याद रखेंगे गुरमुख। जिमें अक्सर दीप भाई कहना हों कि मेरे पिछे एजेंसियां लगिया हुई लगता जी बाई दी गल सच हुई हुई है। ये तो भाई साहब जो सच का प्रचार करेगा उन्हें मगर लगना ही लगना सारे जी, ठीक है न। इस करके विरले विरले जीव ने जो सच के मार्ग से चलते हैं सच की आवाज़ चकते हैं, बाकी कूट नाल जो कोई सच की आवाज़ चकता तो उन्होंने दबाया क्यों जाता? एक खेल ही ऐसा जी, राज ही कूट का जी, कूट के राज कूट ही प्रधान है, ता ही सच की आवाज़ को दबाया जाता बार बार। लगता हूँ अजिहा योधा कोई अपन मिलो पंजाब के ये सोच जी अपनी धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के गुरु नानक पातशाह तो चली आ रही है जी। उन्होंने वेखो ये संसार के बाबर नू जाबर किया, अगों उन्हें सिख्यार्थी जड़े ने सिख जड़े ने ये समय समय से आवाज चकते रहते। दीप भाई हुण अपने बिच नहीं रहे, कौम नू की संदेश देना चाहते हो? यही है भी आप जो गुरु नानक के घर ने रस्ता दिखाया, गुरमुख चले ने आपां नू सेध दित्ती है, कम आप इनू लंबे समय तक अपने हिरदे विच वसाईए, याद करिए, भुल ना जाइए। लगता सी इन्ना कट होगा इतिहासिक धरती उत्ते? नहीं, बिल्कुल जो समझ लगती है गुरमुखां नू जी वो फिर चलते ने सोच के नाल ही। गुरमुख बाबा जी गलबात करने फतेहगढ़ साहब की धरती जिथे जिथे बंदियां इत्थे पहुंची हुई ने, वड्डियां तस्वीरां तुहाडे नाल साझियां कर रहे हैं।